अभी ये मैप 1947 तक चलेगा, तो यहाँ पे ये है इंडिया। ये म्यांमार वाला एरिया था, ये भूटान, नेपाल, तो कुछ ईस्ट, कुछ डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। जैसे ये बलूचिस्तान वाला है, ये वाला एरिया किसी के, ये यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं था, मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल में, कश्मीर वाला डोगरा रूलर्स से, राजपूत किंगडम्स ये अपने रूल करते थे। यहाँ पे अजमेर किंगडम डायरेक्टली रूल में था, अदरवाइज ये राजा थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये डायरेक्टली रूल था, सिंध, सिंध पंजाब, फिर ये यूपी ये वाला डायरेक्टली था, फिर बंगाल पूरा, ये म्यांमार पूरा डायरेक्टली अंडर इन्फ्लुएंस में था। फिर सेंट्रल प्रोविंसेस ये दूरा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी डायरेक्टली कंट्रोल, फिर हैदराबाद ये इनडायरेक्टली कंट्रोल, फिर मैसूर इनडायरेक्टली कंट्रोल, फिर यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी, पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये पूरा बंगाल वाला एरिया था, डायरेक्टली कंट्रोल में था, एंड ये सेंट्रल एरिया था। तो ये ऐसे इस टाइप का मैप था, और ये 1947 तक यही मैप रहता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट को तीन फेजेस में देख सकते हैं। मॉडरेट नेशनलिज्म, ये 1885 जब कांग्रेस बनी थी, 1905 तक रहा। फिर एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट फेज था, ये 1906 से 1916 तक था। फिर 1917 में गांधीयन फेज, गांधीयन एरा, तो गांधी आ जाते हैं। 1917 से 1947 तक गांधीयन एरा चलता है। तो पहले मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज 1916 तक, एंड फिर गांधीयन एरा 1917 से 1947 तक। सो मॉडरेट फेज कब तक रहता है? मॉडरेट फेज रहता है 1885 to 1905। तो यहाँ पे मॉडरेट लीडर कांग्रेस थे, ये बिलीव करते थे ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल, कि ब्रिटिश जस्टिस देते हैं, गुडविल उन पे बिलीव करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स किसका यूज करते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईएनसी का वेलकम किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लेकिन बाद में ये अगेंस्ट हो गए थे। इन स्टार्टिंग में वेलकम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एंड ये अनफ्रेंडली हो गए, बाद में ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी आईएनसी की। तो और ब्रिटिशर्स ने बोला मुस्लिम से कि आप कांग्रेस से दूर रहो। बट एक अचीवमेंट मानी जाती है मॉडरेट्स की, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंग्लिश काउंसिल ऑफ एक्ट 1892। क्या क्या डिमांड है तो मॉडरेट्स की, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उसमें एक्सपेंशन हो, उसमें रिफॉर्म हो। फिर इंडियंस को आईसीएस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, और एग्जाम इंग्लैंड में और इंडिया में साइमल्टेनियसली दोनों जगह हो। और फिर बोलते थे जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जाए, एंड ये होता था, एंड लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर दिया जाए। फिर ये बोलते थे लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू 50% 60% इसको कम किया जाए, एंड प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए किसको? पीजेंट्स को। पीजेंट्स को प्रोटेक्शन देने की बात की, उन्होंने बोला कि सॉल्ट टैक्स एंड सॉल्ट ड्यूटी, सॉल्ट टेस्ट एंड शुगर ड्यूटी, शुगर एंड सॉल्ट पे जो ड्यूटी लगती है उसको हटा देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारा आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 की डिमांड की थी मॉडरेट्स ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू फॉर्म टू एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 में लिखा है, एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डिमांड थी इनकी। फिर इस जो स्पैंडिंग होती है आर्मी में, आर्मी बहुत बड़ी मेंटेन करके रखते थे, जैसे इंडिया का फाइनेंसिस ज़्यादातर आर्मी में चले जाते थे, तो बोलते थे आर्मी की सैलरी जो भी है स्पेंडिंग उसमें कम करनी चाहिए। तो कौन कौन से फिगर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में? AOU इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बद्रुद्दीन देव जी, जस्टिस रानडे, एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये थे AOU, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये थे हमारे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बद्रुद्दीन देव जी, जस्टिस रानडे, एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये लोग फॉर्मेशन ऑफ, ये लीडिंग फिगर्स थे आईएनसी के फॉर्मेशन में। ये सारे मॉडरेट्स थे, AOU, लाइक AOU तो चलो ब्रिटिशर्स है, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बद्रुद्दीन देव जी, जस्टिस रानडे, एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब मॉडरेट फेस के थे। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये इंडियन बर्क बोला जाता है। बर्क एक आयरिश था, ये पार्लियामेंटेरियन था ब्रिटेन में, तो उसे इंडियन बर्क बोलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोलते हैं इंडियन बर्क, जो एक पार्लियामेंटेरियन था ब्रिटेन में, आयरिश था एंड ब्रिटेन में पार्लियामेंटेरियन था। एंड ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, उसको अपोज किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। एंड न्यूज़पेपर के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाली, उनका न्यूज़पेपर था बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर था बंगाली। एंड उन्होंने 1970 इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फाउंड किया था, कब? इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन एसोसिएशन। और फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इनके, इन्होंने कन्वीन कराई थी 1883 में, और जो मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1885 में। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने बनाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनका पहले इन्होंने कौन सा स्टैब्लिश किया था? इंडियन एसोसिएशन।
इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने एस्टैब्लिश किया था इंडियन एसोसिएशन 1876। फिर हम आते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो द हिंदू के जो जिन्होंने फाउंडर है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये है द हिंदू के फाउंडर, जो हम लोग हिंदू पढ़ते हैं उसके फाउंडर था सुब्रमण्यम अय्यर, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ बोलते हैं, बहुत बड़े थे ये। जैसे उस नॉर्थ का बोलते हैं दादा भाई नरोजी, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ बोलते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। एंड इन्होंने कौन सी सोसाइटी फाउंड की, तो मद्रास महाजन सभा, उसको बहुत बढ़ाया था 1884, मद्रास महाजन सभा, तो इसके मेंबर थे मद्रास महाजन सभा के, साउथ में ही थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू फाउंड किया। एंड इन्होंने फाउंड किया मद्रास महाजन सभा को, बहुत बड़ा 1884 में, और इन्होंने हिंदू फाउंड किया, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ बोलते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो एक तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का एक अखबार था द हिंदू, और दूसरा था स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम ये तमिल में था, स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम, तो ये तमिल में था स्वदेश मित्रम, किसका, जी सुब्रमण्यम अय्यर, स्वदेश मित्रम। फिर दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते थे, इन्हें तीन साल INC प्रेसिडेंट थे, 1886, 1893 एंड 1906, 1886, 1893 एंड 1906, 1886, 1893, 1906, 1893 में एक्ट भी आया था, एंड 1906 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट से एक साल पहले, तो यहाँ पे पास हो गया था, क्या पास हो गया था, स्वदेशी रिजोल्यूशन 1906 में, और 1893 में एक्ट आया था, और 1886 में कांग्रेस के बनने के एक साल बाद, 1885 में बना था उसके एक साल बाद, ये 1893 में एक्ट आया था, 1906 में स्वदेश से वो पास होता है। दादा भाई नौरोजी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इनको सेशन था 1886, और जिसने मैं कहा था 1893, और स्वदेशी रेजोल्यूशन पास था 1906। तो ये इन्हें बोलते हैं, इन्होंने की दो पब्लिकेशन थे, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया रस्त गोफ्तार, वॉइस ऑफ इंडिया रस्त गोफ्तार गुजराती मेरा, रस्त गोफ्तार, तो जी से गुफ्तार, जी से गुजराती, से गुजराती में थी, रस्त गुफ्तार गुजराती में। एंड इसे बोलते हैं, इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर बोला जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड में अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर थे, अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर, और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ब्रिटेन में पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो मेंबर बने थे। एंड इन्होंने बुक लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो इसमें बताया इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में, बताया ड्रेन थ्योरी के बारे में, कैसे इंग्लैंड की वजह से हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी चरमरा रही है, कि सैलरी सेविंग पेंशन जो भी ब्रिटिश को पेमेंट करना है वो सब प्रॉफिट जो भी है वो कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी पे जा रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी कहाँ ले जा रही है सारा पैसा, ब्रिटिश ब्रिटेन में खर्च हो रहा है, तो इंडिया को, इंडिया की जाति जितनी भी डलते वो ड्रेन हो रही है, तो इनकी दादा भाई नौरोजी जी की फोर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखना पड़ा, इसमें वेलबी कमीशन बिठानी पड़ी, हुआ कुछ नहीं लेकिन वेलबी कमीशन बिठाई फोर्स में, ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स होगी अपॉइंट करने के लिए वेलबी कमीशन। और इसमें फर्स्ट मेंबर थे दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट इंडियन मेंबर दादा भाई नौरोजी के किसी मैटर के देखने के लिए दादा भाई नौरोजी, वेलबी कमीशन, तो ये, और इसके मेंबर थे दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट इंडियन थे जो किसी कमीशन के मेंबर बने थे दादा भाई नौरोजी, वेलबी कमीशन, वेलबी कमीशन दादा भाई नौरोजी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे किसी, गांधी के, एम के गांधी, तो गांधी के, महात्मा गांधी के ये पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। एंड इन्होंने फाइंड की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, तो ये जैसे रेड क्रॉस है समाज सुधारक का काम करती थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी थी, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे, महात्मा गांधी के, इनकी पब्लिकेशन क्या थी, सुधारक, सुधारक, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इनके पब्लिकेशन थे सुधारक। एंड ये लोगों को हेल्प करते थे डिजास्टर में एंड फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री, तो सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में हुई थी, रेड क्रॉस की तरह काम करती थी, सुधारक इनका पब्लिकेशन था गोपाल कृष्ण गोखले, एंड पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। फिर मॉडरेट्स का अगर मेथड देखें तो मॉडरेट कौन से मेथड फॉलो करते थे, ये टोटल फेथ रखते थे ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में, इन पूरा फेथ था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड इंग्लैंड को, इंग्लैंड से इंस्पिरेशन लेते थे और गाइडेंस लेते थे, तो इंस्पिरेशन लेते थे एंड गाइडेंस लेते थे कहाँ से, इंग्लैंड से। एंड ये बहुत ही लॉयल थे ब्रिटिश के, कभी भी इन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की, ये बहुत बोलते सेल्फ रूल हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें रूल दिया जाए, तो ये स्टेप बाय स्टेप सेल्फ रूल की बात करते थे। और ये एजुकेटेड क्लासेस तक थी, मॉडरेट्स एजुकेटेड क्लास तक ही, ये क्या करते थे, पिटीशंस, रेजोल्यूशन, मीटिंग्स, ये पैम्पलेट बांटते थे, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए मेमोरेंडम डेलीगेशन करते थे टू प्रेजेंट देयर डिमांड, तो ये ज़्यादा चाहते थे पॉलिटिकल राइट्स और सेल गवर्नमेंट स्टेज बाय स्टेट। एंड ये पॉलिटिकल एक्टिव सिर्फ एजुकेटेड क्लासेस तक थी मॉडरेट्स की, क्योंकि ये सारी चीज़ें एजुकेटेड क्लास कर सकते थे, कोई भी मास लोग अटैक नहीं, कभी भी इंडिपेंडेंस की मांग नहीं करते थे लोग।
अचीवमेंट क्या थी मॉडरेट्स को, एक तो नेशनल अवेकनिंग की, जब पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चले थे वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं थे, तो उन्होंने नेशनल एक अवेकनिंग हुई कि ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है। तो उन्होंने लोगों को समझाया डेमोक्रेसी, लिबर्टी के आइडियाज लोगों को बताया, डेमोक्रेसी विद लिबर्टीज, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं पार्लियामेंट है वहाँ पे लोग अपने लोग भेज रहे हैं चुन के, तो रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन की कभी बात नहीं हुई थी, उसकी बात करी डेमोक्रेसी सिविल लिबर्टीज। उन्होंने बोला कैसे ब्रिटिश, बताया कि कैसे ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करने हैं इंडियंस को, जैसे दादाभाई नौरोजी की प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें डेन थ्योरी दी थी दादाभाई नौरोजी ने, तो इसके बाद में वेलबी कमीशन बिठाना पड़ता है जिसमें दादाभाई नौरोजी भी मेंबर थे, वेलबी कमीशन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वर फोर्स टू अपॉइंट वेलबी कमीशन। सो जो मॉडरेट्स जैसे राणा डे बहुत सारे विधवाओं की शादी कराई और ये सब काम के, फिर गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और इनका न्यूज़पेपर सुधारक, इन्होंने काफ़ी काम किए, उन्होंने चाइल्ड मैरिज, विडो रिमैरिज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, काफ़ी काम किए इन लोगों ने। फिर इन्होंने इनका एक देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें एक्सपेंशन हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो ये मॉडरेट्स का एक अचीवमेंट था।